नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि और सोमवार का दिन है। तृतीया तिथि आज रात 11:25 तक रहेगी। आज दोपहर पहले 11:43 तक शोभन योग रहेगा। आज सुबह 8:04 तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा, उसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र लग जाएगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर, आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन जेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाजा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि यायी जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 7 नवंबर की रात 12:36 से अगली सुबह 6:10 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज यह योग सुबह 6:11 से शुरू हो चुका है और सुबह 8:04 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 6 नवंबर की सुबह 6:37 से दोपहर पहले 11 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 6 नवंबर की दोपहर पहले 11 से दोपहर पहले 11:51 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 7 नवंबर की दोपहर 1:29 से शाम 7:52 तक, और एक बार फिर रात 10:07 से रात 12:27 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 7 नवंबर की दोपहर 1:59 से रात 8:22 तक, और एक बार फिर रात 10:37 से रात 12:57 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 6 नवंबर की दोपहर पहले 11 से दोपहर पहले 11:51 तक, और एक बार फिर दोपहर 1:33 से शाम 6:01 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 14 नवंबर की सुबह 6:43 से सुबह 9:44 तक रहेगा। 9:44 मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 6 नवंबर की सुबह 6:37 से दोपहर पहले 11 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज दोपहर 1:52 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन कर्क, सिंह, धनु और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 पहले और 12 बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 7:57 से सुबह 9:19 तक। मुंबई सुबह 8:05 से
सुबह 9:31 तक, चंडीगढ़ सुबह 8:01 से सुबह 9:22 तक, लखनऊ सुबह 7:40 से सुबह 9:03 तक, भोपाल सुबह 7:51 से सुबह 9:15 तक, कोलकाता सुबह 7:06 से सुबह 8:31 तक, अहमदाबाद सुबह 8:10 से सुबह 9:34 तक, और चेन्नई में राहुकाल होगा आज सुबह 7:31 से सुबह 8:58 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज वो शुभ दिशा है उत्तर। आज घर से निकलकर उत्तर दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही उत्तर दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम कार्य बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए सुनहरा रहने वाला है। व्यावसायिक मामलों में अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए मेहनत करने की जरूरत है। विरोधी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इस राशि के जो लोग सरकारी सेवारत हैं, उन लोगों को कोई बेहतरीन कार्यभार मिल सकता है। आज आपका सोचा हुआ काम पूरा हो जाएगा। आज किसी करीबी को आपसे कुछ अपेक्षाएं हो सकती हैं। आज बिजनेस साझेदार के साथ मिलकर किए गए कामों से आपको फायदा हो सकता है। इस राशि के प्रॉपर्टी डीलर्स के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आज सेहत के मामले में सब बेहतर होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 8। वृष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है। आज बिजनेस में बहुत संजीदगी और गंभीरता से काम करने की जरूरत है। बिजनेस बढ़ाने की योजनाओं पर एक बार फिर से विचार करें। कोई भी छोटा बड़ा फैसला लेते वक्त किसी एक्सपर्ट की राय से, सलाह से आपको फायदा होगा। आज पारिवारिक माहौल व्यवस्थित रखने में आपकी मदद कारगर साबित होगी। परिवार में सभी एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे। स्टूडेंट अपना कीमती समय सोशल मीडिया में खराब न करें, अपनी मेहनत जारी रखें। आपकी सफलता के जल्दी ही योग बन रहे हैं। आपकी संतान के करियर या शिक्षा से संबंधित कोई शुभ समाचार मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 7। मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है। आज किसी करीबी व्यक्ति से चल रही अनबन दूर होगी। जिन बातों में आपकी ज़्यादा रुचि है उन पर ध्यान देंगे, आपको खुशी होगी। आज नए लोगों के साथ जुड़ने से आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। आज भावनाओं में बहने की बजाय चतुराई से काम लेंगे तो परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी। आज रुके हुए पैसे की वापसी भी हो सकती है। अन्य लोगों ने जिस प्रकार से अपने काम में प्रगति की है, वैसे ही अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। आपको जल्दी ही सफलता मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 1। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन बेहतर रहेगा। आपकी पहले से चल रही समस्याओं का समाधान मिलेगा, जिससे आपके मन में खुशी रहेगी। परिवार में धार्मिक काम की योजना बन सकती है। आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ अच्छे बदलाव करने की कोशिश करेंगे। आप लंबे समय तक स्वस्थ रहें, इसके लिए आपको अच्छी डाइट लेनी चाहिए। आपके व्यवहार में कुछ अच्छे बदलाव आने से आपके कुछ नए दोस्त बन सकते हैं। आपको दूसरों की मदद करने का मौका मिलेगा। आपके अंदर नया उत्साह देखने को मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 4। सिंह राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। अपने काम को नया रूप देने के लिए कुछ रचनात्मक गतिविधियों में भी रुचि रहेगी। विद्यार्थियों को प्रतियोगिता से संबंधित गतिविधियों में सफलता मिल सकती है। नए काम पर आज विचार करने का पूरा मौका मिल सकता है, लेकिन मौके को हाथ से न जाने दें। इस राशि के जो लोग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, आज उनका वक्त अच्छा साबित हो सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 3। कन्या राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। आज आपको अपने टारगेट को पूरा करने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। काम जितना भी कठिन हो,
आपको एकाग्रता बनाए रखनी है। ऑफिस में आज आपको नया प्रोजेक्ट मिलेगा जिसे पूरा करने में कलीग की आपको सहायता मिल जाएगी। संतान पक्ष से आपको सुख प्राप्त होगा। पिता का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। अपनी ऊर्जा से आप बहुत कुछ हासिल करेंगे। बस अपनी काबिलियत पर भरोसा रखें। किसी कठिन परिस्थिति में आपको कुछ लोगों से आसानी से मदद मिल जाएगी। आज आपके भौतिक सुख साधनों में बढ़ोतरी होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 5। तुला राशि वालों, आज का दिन फेवरेबल रहने वाला है। आज व्यावसायिक संपर्कों को और मजबूत करने का प्रयास करेंगे। साथ ही आज किसी महत्वपूर्ण या राजनीतिज्ञ से मुलाकात फायदेमंद होगी। आज कारोबार में आपको फायदा होगा। इस राशि के ट्रेडिंग और बैंकिंग सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन विशेष फलदायी है। आज सामाजिक कार्यों में मन लग सकता है। आज सेहत अच्छी रहेगी। आज कुछ अच्छे लोगों से भी आपकी मुलाकात हो सकती है। आज आप कुछ नए विचारों पर काम कर सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 2। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन आपके लिए नई उमंग से भरा रहने वाला है। आज बिजनेस में लाभ लेने के लिए आपको किसी की मदद लेनी पड़ेगी। साथ ही आज आपको वाद विवाद से दूर रहना होगा ताकि आप अपना मन काम में लगा सकें। आज आपको अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिलेगा। व्यापारी वर्ग को आज अच्छा लाभ होने से आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा। कॉलेज में नए दोस्त बनेंगे। आर्थिक रूप से आज आपको सफलता मिलेगी। आज आपको किसी उलझन से राहत मिलेगी। आपका काम बेहतर ढंग से पूरा होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 2। धनु राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छे परिणाम लाने वाला होगा। विद्यार्थियों को सफलता मिलने के योग बने हुए हैं, लेकिन पढ़ाई में अभी और मेहनत करने की जरूरत है। आज घर वालों के साथ अच्छा समय बिताने को मिलेगा जिससे परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा। ऑफिस में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। जूनियर आपसे काम सीखना चाहेंगे। लवमेट के रिश्तों में सुधार आएगा। आज आपको अपने कार्यों में राजनीतिक रिश्ते का फायदा मिलेगा। आपके सारे काम आसानी से पूरे हो जाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 2। मकर राशि वालों, आज का दिन आपके लिए ठीक रहने वाला है। आज आप किसी काम को करने के लिए के नए तरीके पर विचार करेंगे। इससे काम समय से व आसानी से पूरा हो जाएगा। आज शाम को आप किसी बर्थडे पार्टी में जाने का प्लान बनाएंगे। स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आपकी क्रिएटिव फील्ड मजबूत बनेगी। बिल्डर्स के लिए आज का दिन अच्छा है। नए कॉन्ट्रैक्ट से बड़ा मुनाफा होगा। किसी सामाजिक समारोह में आपकी भागीदारी होगी। आपको घर को डेकोरेट करवाने का अपने घर को डेकोरेट करवाने का विचार बना सकते हैं। घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। आज कोई दोस्त आपसे मिलने घर आएगा जिससे अपनी पर्सनल बातें डिस्कस करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 6। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए सुनहरा रहने वाला है। आपकी निजी समस्या सुलझ जाने से मानसिक शांति मिलेगी। कार्यस्थल पर आपका कार्य अच्छा चलेगा। आपको किसी काम में मदद की जरूरत रहेगी। इस मामले में अच्छे दोस्त से सलाह मिल सकती है। पॉजिटिव नज़रिए से जरूरी काम पूरे हो सकते हैं। कामकाज निपटाने के नए तरीके भी आपको मिल सकते हैं। दोस्तों के साथ रिश्ते में सुधार होगा। विद्यार्थी आज काम और पढ़ाई में बैलेंस बनाकर चलेंगे। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। राजनीति के क्षेत्र में आपकी छवि मजबूत बनेगी। ज़्यादा लोगों से आप जुड़ेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 1। मीन राशि वालों, आज का दिन फेवरेबल रहने वाला है। आज आपके व्यवहार में विनम्रता और लचीलापन ही आपको सफलता दिला सकता है। आज पारिवारिक रिश्तों में गहराई और अपनापन आपको महसूस होगा। किसी कारण से पिताजी आपको कोई नई जिम्मेदारी दे सकते हैं जिसे आप पूरी तरह निभाएंगे। जमीन जायदाद से जुड़े कुछ काम पूरे हो सकते हैं। आज साझेदार की गतिविधियों पर ध्यान दें। रोजगार में नई उपलब्धि मिलने के योग बन रहे हैं। घरेलू जरूरत की चीज़ों की खरीदारी होगी। आज कोई खास व्यक्ति आपको सरप्राइज दे सकता है। किसी काम में जल्दबाजी नहीं करेंगे तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 3। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज किसी ज़रूरतमंद को भोजन कराएं
और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज छोटी कन्या को बिस्किट दें तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमय दुनिया में। मूलांक एक वालों आज प्रियजनों का सहयोग मिलेगा, आपका कोई काम आसानी से पूरा हो जाएगा। मूलांक दो, संतान की चिंता कम होगी, अच्छी जॉब लगने से घर में उत्सव का माहौल बना रहेगा। मूलांक तीन, आज के दिन आप कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, इससे आपको अच्छे परिणाम मिलने के संकेत हैं। मूलांक चार, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, साथ ही आज शत्रु आपके कार्य कौशल को देखकर नतमस्तक होंगे। मूलांक पाँच, वर्क फ्रॉम होम कर रहे लोगों का काम अच्छा चलेगा, साथ ही व्यस्तता भी बढ़ेगी। मूलांक छः, आज बेटे की मेहनत रंग लाएगी, बेटे के करियर को लेकर टेंशन खत्म होगी। मूलांक सात, आज आप किसी उच्च अधिकारी से मिलकर अपनी कार्य योजना पर विचार करेंगे जिससे आपको लाभ मिलेगा। मूलांक आठ, दूसरों के सामने खुलकर अपनी बात रखने का मौका मिलेगा, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मूलांक नौ, आपका स्वभाव ईमानदार और निश्चल होने के कारण लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे खिड़की खुलने के तरीके के बारे में। आप सोचेंगे कि खिड़की के खुलने से के तरीके से क्या होता है, जैसे होगी वैसे ही तो खुलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तुशास्त्र के अनुसार खिड़की खुलने व बंद होने का तरीका भी घर की सुख शांति बनाए रखने में बेहद अहमियत रखता है। खिड़कियां हमेशा इस तरह से बनवानी चाहिए कि घर के अंदर की तरफ ही खुले, न कि बाहर की तरफ। इसके साथ ही खिड़कियां खोलते व बंद करते समय खिड़कियों की आवाज़ करना भी अच्छा नहीं माना जाता। इसका प्रभाव घर की सुख शांति पर पड़ता है और इसके कारण परिवार के सदस्यों का ध्यान भंग होता है। इसलिए अगर खिड़कियों में इस तरह की कोई समस्या है तो उसे तुरंत ठीक करवा लें। वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा खिड़की खुलने के तरीके के बारे में। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि और सोमवार का दिन है। तृतीया तिथि आज रात 11:25 तक रहेगी। आज दोपहर पहले 11:43 तक शोभन योग रहेगा। शुभ कार्यों और यात्रा पर जाने के लिए शोभन योग उत्तम माना गया है। इस योग में शुरू की गई यात्रा मंगलमय एवं सुखद रहती है। मार्ग में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होती। साथ ही जिस कामना से यात्रा की जाती है वो भी पूरी होकर आनंद की अनुभूति होती है। इसीलिए शोभन योग को बड़ा सजीला एवं रमणीय भी कहते हैं। साथ ही आज सुबह 8:04 से शुरू होकर कल सुबह 9:46 तक रवि योग रहेगा। बता दूं कि रवि योग के प्रभाव से आपके सारे काम बन सकते हैं। रवि योग में किया गया कार्य जरूर सफल होता है। सूर्य के प्रभाव वाला ये योग बहुत ही प्रभावशाली है। सूर्य की ऊर्जा से भरपूर होने के कारण इस योग में किए गए कार्य को कोई बिगाड़ नहीं सकता, अपितु ये शुभ फल ही देता है। रवि योग सभी कुयोगों को, अनिष्ट शक्तियों को नष्ट करने की अद्भुत शक्ति रखता है। इस योग में जो भी कार्य किए जाएं वो सफल जरूर होते हैं। अतः रवि योग में किसी भी प्रकार के शुभ कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। इसके अलावा आज सुबह 8:04 तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा। उसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र लग जाएगा। अनुराधा नक्षत्र की चर्चा हम आपसे कल ही कर चुके हैं, लिहाजा आज हम बात करेंगे ज्येष्ठा नक्षत्र की। आकाशमंडल में स्थित कुल 27 नक्षत्र 9-9 की संख्याओं में 3 श्रृंखलाओं में बटे हुए हैं, जिनमें से पहली श्रृंखला की शुरुआत अश्विनी नक्षत्र से होती है, जबकि 9 नक्षत्रों की दूसरी श्रृंखला का अंत ज्येष्ठा नक्षत्र पर होता है। आकाशमंडल में गिनती के आधार पर ज्येष्ठा 18वां नक्षत्र है। ज्येष्ठ का अर्थ है बड़ा। साथ ही ताबीज को ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। ताबीज़ को सामान्यतः लोग किसी भी तरह की नेगेटिविटी से अपनी रक्षा के लिए पहनते हैं। अतः ज्येष्ठा नक्षत्र के प्रतीक चिन्ह को रक्षा, सुरक्षा और प्रभुत्व के साथ भी जोड़कर देखा जाता है। आपको ये भी बता दूं कि ज्येष्ठा नक्षत्र की राशि वृश्चिक है, और जैसा कि हम पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं, हर नक्षत्र का संबंध किसी न किसी वनस्पति या पेड़ पौधे से होता है। एक बार फिर से याद दिला दूं कि ज्येष्ठा नक्षत्र का पेड़ चील है, और जिस नक्षत्र का जो पेड़ होता है उस नक्षत्र से संबंधित व्यक्ति को उस पेड़ की पूजा करनी चाहिए।
लिहाजा जिन लोगों का जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ है उन लोगों को चीड़ के पेड़ की पूजा करनी चाहिए और उसके सामने हाथ जोड़कर उसे नमस्कार करना चाहिए, उसकी देखभाल करनी चाहिए। साथ ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी चीड़ के पेड़ को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले शोभन योग, रवि योग और ज्येष्ठा नक्षत्र के बारे में। और अब बात करते हैं आज सोमवार के दिन भगवान शिव जी की कृपा पाने के लिए कौन से विशेष उपाय करने हैं। अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में सोमवार के दिन इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो घर से निकलते समय दर्पण यानी शीशे में अपना चेहरा देखकर अवश्य जाएं। साथ ही मन भगवान शिव से सफलता के लिए प्रार्थना करें। आज के दिन ऐसा करने से आपका मन पॉजिटिव रहेगा, इससे आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा और आपकी मेहनत का असर दिखेगा। अगर आपको व्यापार के लाभ में पैसों की लगातार कमी हो रही है या व्यापार में आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है जिससे आप कुछ नया करने की नहीं सोच पा रहे हैं और आपका मनोबल कम होता चला जा रहा है तो इसके लिए आप कोई भी नया काम शुरू करने से पहले अपने पास दो सफ़ेद फूल रख लें और जब काम हो जाए तो उन्हें बहते पानी में प्रवाहित कर लें। अगर घर में किसी बात को लेकर सदस्यों के बीच अनबन रहती है जिसके कारण आपका मन बेचैन रहता है तो आप सोमवार के दिन घर के नज़दीकी मंदिर में भगवान शिव जी को बेलपत्र चढ़ाएं और साथ ही किसी ज़रूरतमंद को एक कटोरी चावल दान करें। आज के दिन ऐसा करने से आपका मन शांत रहने लगेगा और परिवार के माहौल में पॉजिटिविटी आने लगेगी। अक्सर उपलब्धियां सामने होते हुए भी आपको नज़र नहीं आती हैं, ऐसा तब महसूस होता है जब आपके पास सब कुछ होते हुए भी आपको लगे कि आपके पास कुछ नहीं है। तो इसके लिए आप सोमवार के दिन कुश या कंबल के आसन पर बैठकर तुलसी या रुद्राक्ष की बनी माला से कम 108 बार भगवान शिव के मंत्र का जप करें। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं सोमाय नमः। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन में चल रही समस्याएं समाप्त होंगी, साथ ही आप उपलब्धियों का लाभ उठाने में सफल होंगे। अक्सर भागदौड़ भरी लाइफ में कई बार इंसान किसी काम को लेकर इतना परेशान हो जाता है कि उलझन में आ जाता है। अधिकतर लोगों के साथ ऐसा होना आम बात है। इससे बचने के लिए सोमवार के दिन नहा धोकर तुलसी के पौधे की 11 बार परिक्रमा करें और साथ में घी का दीपक जलाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपकी उलझन कम होगी, लिहाजा आपका जीवन सुखमय बनेगा। अगर आप अपने किसी शत्रु से परेशान हैं तो उससे मुक्ति पाने के लिए आज के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाएं। साथ ही शिव जी के इस मंत्र का 11 बार जप करें। मंत्र है ओम शं शं शिवाय शं शं कुरु कुरु ओम, ओम शं शं शिवाय शं शं कुरु कुरु ओम। आज के दिन ऐसा करने से आपको अपने शत्रुओं से जल्दी ही छुटकारा मिलेगा। अगर आप अपने धन धान्य और भौतिक सुखों में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज के दिन स्नान आदि के कार्यों से निवृत्त होकर अपने घर के आसपास किसी शिव मंदिर में जाकर जल में थोड़ा गंगा जल डालकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। साथ ही भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके धन धान्य और भौतिक सुखों में बढ़ोतरी होगी। अगर आपको कोई परेशानी है और आप उसका हल नहीं निकाल पा रहे हैं तो अपनी परेशानी का हल निकालने के लिए आज के दिन जल में कुछ बूंद दूध मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। साथ ही 11 बेलपत्र पर चंदन से ओम लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं और धूप दीप आदि से विधिवत शिवलिंग की पूजा करें। आज के दिन ऐसा करने से आपकी जो भी परेशानी होगी उसका हल जल्दी ही निकलेगा। अगर आप अपनी आमदनी को बढ़ाना चाहते हैं तो आज के दिन शिवलिंग पर दूध अर्पित करें, अगर संभव हो तो गाय का दूध अर्पित करें। साथ ही शिव मंत्र का 11 बार जप करें। मंत्र है ओम नमः शिवाय। इस प्रकार जप पूरा होने के बाद अपनी आमदनी में बढ़ोतरी के लिए भगवान के सामने हाथ जोड़कर विनती करें। आज के दिन ऐसा करने से आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। अगर आपको अपनी पढ़ाई लिखाई से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी आ रही है तो उस परेशानी से बाहर निकलने के लिए आज के दिन स्नान आदि के बाद आपको शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। साथ ही शिवलिंग पर चंदन का टीका लगाना चाहिए।
आज के दिन ऐसा करने से पढ़ाई लिखाई से संबंधित आपकी सभी परेशानियों का हल निकलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी संतान आपके सभी कामों में आपकी मदद करे और उनसे आपके रिश्ते बेहतर बने रहें, तो आज के दिन शिव जी को नारियल अर्पित करें, साथ ही भगवान को सूखे मेवे का भोग लगाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपकी संतान सभी कामों में आपकी मदद करेगी और उनसे आपका रिश्ता बेहतर बना रहेगा। तो ये सारी चर्चा थी आज सोमवार के दिन किए जाने वाले उपायों की। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का फायदा जरूर उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। तो अगर आपके नाम का पहला अक्षर है ए, तो सिविल इंजीनियर्स आज अपने सीनियर का दिया टिप, उनका दिया टारगेट समय से पूरा कर लेंगे। टिप पर ध्यान रखिए, कुछ नया सीखेंगे। बी, नए बिजनेस शुरू करने की योजना सफल रहेगी, आपका भी मन काम करने में लगेगा। सी, इंजीनियर्स आज नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करेंगे, आगे उन्हें दूसरा प्रोजेक्ट भी मिल सकता है। डी, लवमेट को आज उनका पसंदीदा उपहार मिलेगा, इससे आपके रिश्ते में मिठास बढ़ेगी। ई, स्वास्थ्य की समस्या से परेशान लोगों को आज अच्छे डॉक्टर की सलाह मिलेगी। एफ, बिजनेसमैन आज कोई नया कारोबार शुरू करने का मन बनाएंगे, जिससे उन्हें अच्छा लाभ होगा। जी, सजावट का कारोबार कर रहे लोगों को किसी डील के सिलसिले में बाहर जाना पड़ सकता है। एच, आज आपको कुछ ऐसा पता लग सकता है जिससे आप सोच में पड़ जाएंगे। आई, शिक्षकों को आज उनके काम के लिए ज़्यादा सम्मान मिलेगा, जिससे आपको हार्दिक प्रसन्नता होगी। जे, आज किसी निर्णय में आपके माता पिता का मार्गदर्शन आपको मिलेगा, आपको काम करने में आसानी होगी। के, आज आपके मन में चल रही उथल पुथल को दूर करने के लिए माता का सपोर्ट मिलेगा। एल, किसी काम में की गई लगातार मेहनत का अच्छा रिजल्ट आपको मिलने के योग है। एम, शिक्षक छात्रों को नए टॉपिक को समझाने के लिए उत्सुक रहेंगे, दिन व्यस्तता से भरा रहने वाला है। एन, काफ़ी समय से अधूरे काम को पूरा करने का आज सही समय है, आप काम को समय से पूरा करेंगे। ओ, विद्यार्थी वर्ग अपने पुराने चैप्टर का अध्ययन करते रहेंगे, जिससे उन्हें पढ़ाई में सरलता होगी। पी, कार्यस्थल पर आपकी मुलाकात नए लोगों से होगी, उनसे बिजनेस करने की जानकारी प्राप्त होगी। क्यों, सामाजिक सेवा से जुड़े लोग आज जनमानस के साथ संपर्क करेंगे, कुछ नई बातें पता चल सकती हैं। आर, आज किसी व्यक्ति से कुछ जानकारी मिलेगी जो आपके लिए कारगर साबित होगी। एस, व्यर्थ के वाद विवाद से आज स्वयं को दूर रखना अच्छा रहेगा। टी, राजनीति से जुड़े लोगों का मान सम्मान बढ़ेगा, आज किसी काम में लोग आपका सपोर्ट करेंगे। यू, आज ज़्यादा काम की वजह से आप व्यस्त रहेंगे, लेकिन शाम का समय परिवार वालों के साथ बिताएंगे। वी, किसी जरूरतमंद की सहायता के लिए आज आप आगे आएंगे, आपको खुशी मिलेगी। डब्ल्यू, परिवार में बड़े बुजुर्ग के साथ समय बिताने का अच्छा अवसर मिलेगा। एक्स, नवविवाहित जीवनसाथी आज धार्मिक स्थल पर जाने का प्लान बनाएंगे, खुशियां बनी रहेंगी। वाई, किसी जरूरतमंद को खाना खिलाएंगे, जिससे आपको खुशी मिलेगी। जेड, आज आपसे ऑनलाइन नए कस्टमर जुड़ेंगे, आपका कारोबार बढ़ेगा। और अब बात आज के तीर्थ की, आज हम आपको कराने जा रहे हैं राजस्थान के नाथद्वारा में श्रीनाथ जी के मंदिर के दर्शन। यहाँ भगवान श्री कृष्ण को श्रीनाथ जी कहते हैं। ये मंदिर वैष्णव संप्रदाय के वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख तीर्थ स्थानों में सर्वोपरि माना जाता है। नाथद्वारा उदयपुर से लगभग 48 किलोमीटर दूर राजसमुंद जिले में बनास नदी के तट पर स्थित है। कहा जाता है कि जब मुगल शासक औरंगजेब ने गोकुल का मंदिर तोड़ने का आदेश दिया, तब वल्लभ गोस्वामी वहां की मूर्ति लेकर नाथद्वारा में आ गए और यहां उस मूर्ति की पुनः स्थापना की गई। बताया जाता है कि ये मंदिर 12वीं शताब्दी में बनाया गया था। श्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए यहां दूर दूर से भक्त आते हैं। तो आप भी घर बैठे कीजिए इस पवित्र मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिनके दांतों के बीच थोड़ा खालीपन बना रहता है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार ऐसे लोग बहुत ही बुद्धिमान और चतुराई रखने वाले होते हैं। ये दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं,
साथ ही बहुत समझदारी के साथ अपना काम करते हैं और दूसरों के सामने ये अपने आप को इतनी अच्छी तरह से प्रेजेंट करते हैं कि सामने वाला व्यक्ति इनसे बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है। लेकिन इतनी समझदारी के बावजूद इनके अंदर एक बुरी आदत भी है कि ये लोग कमाने के बहुत आलसी होते हैं। ये खुद से काम करने के बजाय अपने माँ बाप की संपत्ति का फ़ायदा उठाते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में ये थी चर्चा उन लोगों के बारे में जिनके दांतों के बीच थोड़ा खालीपन बना रहता है। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 4 नवंबर को कार्तिक कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है। तृतीया तिथि में परवल की सब्जी या उससे बनी कोई अन्य चीज़ खाना निषिद्ध है। ये शत्रुओं की वृद्धि कराने वाली होती है। तृतीया तिथि आज रात 11:25 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्थी तिथि लग जाएगी जो कि कल रात 12:17 तक रहेगी। चतुर्थी तिथि में मूली का सेवन करना निषिद्ध है। ये शत्रुओं की वृद्धि कराने वाली होती है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि आज आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर और उत्तर पूर्व। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज ऑनलाइन कुछ शॉपिंग करें, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9997100226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।